हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो वेल्स लंदन से 5 आवर्स की ड्राइव के बाद ये वेल्स पहुंच गए हैं। स्नोडोनिया ये एरिया है वेल्स का, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। यूनियन जो है, यूनियन फ्लैग, उसके अंदर ये 4 कंट्रीज़ जो है ना वो फॉल करती हैं और वेल्स इज़ वन ऑफ देम। और यूनाइटेड किंगडम इज़ द होल यूनियन, यू कैन से दैट। और उसका एरिया वेल्स जो है वो मोस्ट प्रॉबली वेल्स और स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है। और वेल्स में हम थोड़ी सी जो उनकी लाइफ है उससे थोड़ा सा, जो सिटी की लाइफ है उससे थोड़ा सा दूर है। इस दफ़ा हमने चूज़ किया है वुड्स के अंदर एक घर, और वो घर मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसा वो वुड्स के अंदर घर बना हुआ है, उसकी विंडोज़ कैसी अंदर से वो कैसा है और कहाँ पे हम रह रहे हैं। नेचर के बिल्कुल करीब रहने की ये एडवेंचर हमने किया कि शहर की लाइफ से थोड़ा सा दूर रह के को रिलैक्स किया जाए, नेचर को ऑब्जॉर्व किया जाए। 3 दिन का ये ट्रिप है। तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देते हैं, उसके बाद फुटेजेस वगैरह और साथ साथ मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए और ये हमारा होटल, ये रूम है वुड्स के अंदर। ये रूम है, सारा वुड का बना हुआ है। डबल बेड है, बोर्ड्स, लाइट्स भी हैं। ये ओपन करेंगे इधर तो ये भी बोर्ड्स आ जाती है। वो इमेजिन करें, वो ब्यूटीफुल। $3.136 million की पॉपुलेशन है। कार्डिफ वेल्स का कैपिटल है। लंदन से वेल्स की तरफ अगर जाएं तो आप रास्ते में, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई उसमें आप देखें, बहुत ही खूबसूरत उनकी कंट्री साइड लैंडस्केप, बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन माउंटेंस। वेल्स की ब्यूटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका कल्चर दूसरे यूनाइटेड किंगडम से, जो कार्डिफ कंट्री है, इसका कल्चर डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनके नॉर्म्स डिफरेंट हैं। और बड़े प्राउड ये फील करते हैं अगर आप इनको कहें, यू कांट से लाइक यू आर इंग्लिश। बारबेक्यू की तैयारी चल रही है और जो मेरे साथ हैं वो ये बड़े भाई के दोस्त हैं। जंगल में मंगल, ये देखें,
पुरसकून जगह है, कोई नहीं है यहाँ पे, ख़तरा भी कोई नहीं है। तो बारबेक्यू के भी तैयारी है और बारबेक्यू खाना छाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो है ना थोड़ा सा फिर यहीं पे बैठ के थोड़ा सुकून करेंगे। दूर है काफ़ी ये शहरों से, डिफरेंट चूज़ किया हमने इस दफ़ा कि थोड़ा सा माइंड को जो है रिफ्रेश किया जाए। मुझे बेस्ट जगह है मेरे को रिफ्रेश करने के लिए इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड और वेल्स बहुत ही खूबसूरत हैं। मॉर्निंग वॉक, मेरा ख्याल है कोई 6-7 साल बाद आज 8 बजे उठाऊँ वॉक के लिए। वैसे जॉब शॉप काम के लिए तो उठ ही जाते हैं। उसके अंदर ये घर है हट एक, और ये नेचर के बिल्कुल करीब। तमाम फैसिलिटीज इसमें मौजूद है, गर्म पानी, फ्रिज भी है, गैस वाला जो है ना वो चूल्हा भी है जहाँ पे आप खाना छाना गर्म कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? बिल्कुल पीछे में ये हमारा रूम है वुड्स के अंदर, छोटा सा रूम है, और पहला दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा है। अब नाइट जो है ना वो उसमें नाइट पे भी एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें देखेंगे नाइट लाइफ जो है ना वो कैसी है। थोड़ा सा बारबेक्यू करने की भी कोशिश करेंगे और वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।